आज है 3 अक्टूबर 2022, और 3 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनायक गोडसे। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO विनायक गोडसे बने हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग अब कहां विकसित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर राजस्थान। जयपुर के प्रतापगढ़ में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से भारत का पहला कोचिंग अब विकसित किया जा रहा है। यह करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रोतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रत कप 2022 में मणिपुर के वाईगोई हाई सेकेंडरी स्कूल को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता है। सुब्रतो कप टूर्नामेंट कप नाम पहले भारतीय एयर चीफ रहे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। सुब्रतो कप एक वार्षिक आयोजन है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेल समारोह का उद्घाटन किया है। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। इसका शुभारंभ सवाज गुजरात के अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह बिजली से चलने वाला दुनिया का पहला विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। दुनिया के पहले बिजली से चलने वाले विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। एलिस नाम के प्रोटोटाइप विमान ने 3,500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक उड़ान भरी। इस विमान को एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह विमान बैटरी का उपयोग करता है और विमान की अधिकतम गति 481 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। यहाँ के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम हरियाणा। राजधानी दिल्ली के सटे गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले संभाग 10,000 करोड़ रुपए के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क सरजाह में है जो फरवरी 2022 में खोला गया था। इसका क्षेत्रफल करीब 2,000 एकड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल से इस स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा और 2021 में यह 46वें स्थान पर था। टॉप 3 देश के नाम, पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना तथा उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजना के लिए समर्थन प्रदान करना है। यह सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था, ऊर्जा, वित्त, खाद्य सुरक्षा और युवा। भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भावनगर, गुजरात। गुजरात के भावनगर के पास स्थित यह दुनिया का पहला कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पद्मनभन मफललाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम ने फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्मेनिया। भारत ने स्वदेशी में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज अर्मोनिया के साथ 250 मिलियन के समझौते हस्ताक्षर किए हैं। पिनाका क्या है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। अर्मेनिया के बारे में जानकारी, अर्मेनिया यह ट्रांस केशियम स्थित एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी येरेवान है, इसकी मुद्रा ड्राम है, इसके प्रधानमंत्री निकोल पारिनशियान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवाद है जिन्हें अनुवादों के संरक्षण संत के रूप में जाना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनुवाद पेशे को बढ़ावा देना और मानक और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाना है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।